कोई दवाई नहीं मिलती, बाद तो जी दवाई ले दें देने, जी महंगी दवाई वो बाहरों ले लैनी पैंदी है। मतलब जिते लोगों नूं सीगा उम्मीदां ते पाणी की सारा कुछ ही फेरता, हाँ बलडोजर ही फेरता इन्हां ने। लगातार लोग इत्थे परेशान होंदे दिखाई दिंदे ने, पर अज एक बार फिर असीं पहुंचे हाँ इत्थों दी ग्राउंड रियलिटी देखण लई, क्योंकि जिथे देखा जा रहा सी सरकारां वल्लों हमेशा ही चीज़ कही जांदी कि हैल्थ नूं मद्देनज़र रखदे होए काफ़ी सुधार किए गए हैं, तो महला क्लीनिक भी खोले गए हैं। तो इस तों बाद महला क्लीनिक खोलण तों बाद कि सिविल हस्पताल दे लोकां दे विच, सिविल हस्पताल जिहड़े पहुँचते हैं उन्होंने लोगों की संतुष्टि हैगी है, महला क्लीनिक तो खुल गए कितना कितने उन्होंने कितने ना कि बैठन के बैठ के दवाई लैन की सुविधा तो होगी, पर कि सिविल हस्पताल के हालात सुधरे। दसो असीं अंदर चलते गलबात करते हैं लोगों के नाल की है ग्राउंड रियलिटी हजे भी सिविल हस्पताल की। की नाम मंगल थोड़ा? मेरा नाम विनय भारती। की इतने दिक्कत की है सिविल हस्पताल? दिक्कत की है, दिक्कत ही दिक्कत है, तो किसी को सुख है किसी को बदतमीजी ना गल करते हैं, उड उड पेंदे ने, ठीक है, बाकी कोई इन्हां दी कोई दायरा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं हैगी, जिहड़ा VIP बंदा अंदर जा रहा है साडे वर्गे बाहर बैठे ने, आ वेखो जिवें बैठे होए ने। बिल्कुल। ते किन्ने बजे आए होए हो तुसीं? आई सवेर दे आए 8 बजे दे। 8 बजे? हां 10 ते इत्थे बज के उधरों उधर नहीं गए आपां। बिल्कुल। ते हुण अजे तक किन्ना नंबर हैगा तुहाडा? 346 346 अजे तक तुहाडा नंबर नहीं ना पुछिया नहीं तुसीं? पुछिया की अगलो बदतमीजी करदे जनता इन परेशान है, राती असीं आए हैं इत्थे 11:30 बजे हॉस्पिटल, ना तो साडे कोल जाण दा कोई व्हीकल सी, ठीक है, पेन हो रही सी, टीका लाता, हुण टीका लाता सानू, चलो रेस्ट वास्ते बैड तां दिओ तुसीं, सानू बैड भी नहीं दिता। कित्थों दी आए हो? कित्थों आए हो? टिब्बा रोड तों। टिब्बा रोड? हाँ, ते फिर राती सानू मुलाजम सी, उहनें फिर जाके कहा कहिंदा तुसीं अंदर पै जाओ, ट्रेल दे विच राती असीं 3 बजे जाके हॉस्पिटल दे अंदर जाके पए हां दोवें जी असीं। मतलब जिहड़े इह सरकारी हस्पताल ने मरीज़ां नूं इदां ही ट्रबल करदे पए ने। हाँ हाँ, उह तां वेखियो तुसीं, आ वेख लो जिहड़े इहनां ने क्लीनिक खोले आ सरकार ने। कादी क्लीनिक? कोई क्लीनिक नहीं नज़र आउंदी, कोई दवाई नहीं मिलती, बाद तो जी दवाई ले दें देने, जी महंगी दवाई वो बाहरों ले लैनी पैंदी है। मतलब कोई फायदा ही नहीं है? फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। की कहना चाहोगे हुण सरकारी अस्पताल? सरकार है, सरकार का दी आ गई, सानू तो लैके बह गई है, तुहानू सही गल दसी है, असीं आप सगों वोट दे के घाटा करदा। मतलब जिथे लोगों नूं सीगा उम्मीदां ते उम्मीदां दे पाणी, उम्मीदां दे पाणी की सारा कुछ ही फेरता, हाँ बलडोजर ही फेरता इन्हां ने। सर की किस तरह की दिक्कत आ रही है सिविल दे विच? मैनूं दिक्कत इह आई है, मेरे बदल नूं काला पिली आ, असीं कल भी मुड़के गए, कल भी मैडम आए नहीं सीगे, ठीक है जी, असीं अज भी आ गए हाँ, हुण असीं अरे सवेरे दे 5:30 बजे ते खड़े हाँ, साडा 411 नंबर आ मैडम, देखो असीं प्रशासन तों दुखी नहीं हैगे, किसे दुखी नहीं हैगे, असीं सिर्फ ये कर रहे हैं भी जो भर्तियां ने भर्तियां का खोलना बंदे होणगे तो ऑटोमैटिकली इन्ना कट नहीं होगा, हुण तरह तरह के इत्थे स्मैल सुंघण मिल रही है मैडम, तुसीं दस्सो भी हुण असीं की कर सकते हैं। बिल्कुल। ते फिर मतलब मैं खुद ए फोर्स रिटायरमेंट हाँ, मैं दसो की करा, मैं अपने भाई नूं नहीं दवाई दस सकदा उत्थों मैडम, उत्थों मैनूं मिलू मेरे परिवार मिलू, दसो मैडम हुण मैं की करिए? मतलब सरकारी हस्पताल जिथे जिथे इन्नी गल्लां हो रही ने रोजगार मिलू, तो रोजगार तो मिल नहीं रहा, तो ना ही तो लोगों का रोजगार की गल करते हो, दवाई नहीं मिली 3 दिन हो गए, बैठन भी जगह नहीं है, दवाइया नहीं मिल रही, तुम 2 दिन तो आ रहे हो। देखो मैं तो यही गल कहूँगा, भगवंत मान की जी सरकार आ बहुत टॉप की सरकार आ, वधिया सरकार आ, पर वो भाई हॉस्पिटल जिन्हों बिल्कुल थर्ड क्लास बना रहे हैं। लगातार जितने सिविल अस्पताल के जो हालात ने बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर गलबात भी कर रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? विभा पांडे। क्या क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब नहीं अंदर कह रहे हैं, राउंड पे गए, अंदर जाने नहीं दे रही हैं, क्यों कह रहे राउंड पे गए हैं? कब के गए हैं? कब के गए? खुद ही किसी को पता नहीं कब के गए हैं, खड़े हैं सभी, सारे लोग खड़े हैं, 20 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, असल में खुद ही बता देंगे सारा, इतना लोग तो 20 मिनट हुआ, तो इतना तो थोड़ी भीड़ रहती, इतना तो भीड़ रहती नहीं,
मतलब कब के गए हुए हैं? कुछ पता नहीं। तो कैसी सुविधाएं कैसी मिल रही है यहाँ पे? बैठने को जगह नहीं है, खड़े हैं, कहीं बैठो बोले बैठो बैठो, कहाँ बैठे? कितने बजे के आए हो? मैं आ गए 12 बजे आए थे। तो मतलब हालात इसके कितने खराब दिखाई दे रहे हैं? दवाइयाँ नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। नाम थोड़ा? मैडम चेतन नाम है मेरा। मैं सवेरे 9 बजे आया हुआ, 229 नंबर लाता हुआ, हाले तक मेरा नंबर नहीं आया है, डॉक्टर है नहीं। मतलब सीधी जड़ी है काला बाजारी खन्ने तो दूरों इतने आए हो? मतलब पहली बार आए हो या पहले भी आंदे रहे? मैं पहली बार आया, उन्होंने कहा भी दवाई ना लुधियानी लगूगी, उतो पहले दवाई करा के आओ, फिर अभी दंद दुंद कराना। अपने घर वाले हाले तक इन्हों ने नंबर नहीं लाया, डॉक्टर है ही नंबर कितों लाने। मतलब सवेर दे आए हुए हो, 200 कि नंबर है? 229 नंबर है, तो उस तो बाद भी डॉक्टर नहीं है, ये कह रहे हूने गए हैं? हूने नहीं गए, तो 200 देख लो कि पब्लिक आना, कुछ लोग मैम 10 बजे आ गए, 2 बजे जाने का की मतलब? ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। 9 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰੂਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਟਰਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8-8 ਵਜੇ ਤੋਂ, 9-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।